दिल्ली के लाल किले पर वर्ष 2000 में हुए आतंकी हमले में कथित संलिप्तता के आरोप में गिरफ्तार एक कश्मीरी व्यापारी को एक स्थानीय अदालत ने जमानत दे दी। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सिद्धार्थ शर्मा ने 37 वर्षीय व्यापारी बिलाल अहमद काबा को जमानत देते हुए उसे 50,000 रुपए के निजी मुचकलन भरने और इतनी ही राशि की जमानत देने को कहा। काबा को दिल्ली पुलिस और गुजरात आतंकरोधी दस्ते ने एक संयुक्त अभियान में दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से इस साल जनवरी में गिरफ्तार किया था। उस पर वर्ष 2000 में लाल किले पर हुए हमले में कथित रूप से शामिल होने का आरोप था। दिल्ली पुलिस ने कहा कि काबा के बैंक खाते का इस्तेमाल लश्कर ए तैयबा को आतंकी वित्त पोषण के लिए किया गया था। अदालत का फैसला वरिष्ठ वकील और बचाव पक्ष के वकील अमन लेखी के निवेदन पर आया है, जिसमें उन्होंने कहा कि एक को छोड़कर बाकी मामले में अन्य आरोपियों को या तो बरी कर दिया गया है या फिर फैसला सुना दिया गया है। अदालत ने काबा को चेतावनी दी है कि वो मामले में सबूतों से छेड़छाड़ ना करे और साथ ही जांच में हस्तक्षेप ना करे। काबा ने अपनी जमानत याचिका में दावा किया था कि उसे आगे हिरासत में रखने के पीछे कोई उद्देश्य नहीं है। देश और विदेश की हर तरह की न्यूज को हिंदी में सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल लोकमत न्यूज हिंदी को सब्सक्राइब करना ना भूलें।